जय जिनेंद्र, आज मैं आपको मुनि विष्णु कुमार की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी रक्षाबंधन से रिलेटेड है। बहुत पुरानी बात है, जब अलकल्पनाचार्य अपने 700 शिष्यों के साथ उज्जैन नगरी में पहुँचे, उन्हें कुछ अनफॉर्चुनेट होने का आभास हुआ। इसलिए मुनि अलकल्पनाचार्य ने अपने 700 शिष्यों को मौन रहने के लिए कहा। मौन रहना मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलना। थोड़ी देर में उज्जैन नगरी के राजा अपने 4 मंत्रियों के साथ मुनि संघ के दर्शन के लिए पहुँचे। उन 4 मंत्रियों के नाम थे बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमोची। सारे महाराज मौन साधना में लीन थे, इसलिए उन्होंने धर्म उपदेश भी नहीं दिया और चारों मंत्रियों की धर्म में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। इसलिए उन्होंने मुनि महाराज का मजाक उड़ाने शुरू किया। उन्होंने कहा कि इन्हें तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो थोड़ी ही देर बाद वो थोड़ा रुक कर चले गए। रास्ते में श्रुत सागर महाराज आहार करके नगर की ओर विहार कर रहे थे। मंत्रीगण उनका भी मजाक उड़ाने लगे और बोले, क्या बैल की तरह चढ़ा आ रहा है। श्रुत सागर महाराज ने अपने गुरु की बात नहीं सुनी थी, इसलिए उन्होंने शांत भाव से सारे मंत्रियों को समझाया और उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। ये सुनकर सारे मंत्रियों को राजा के सामने इंसल्टेड फील हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले महाराज को बैल कहा था और अज्ञानी भी कहा था, और बाद में महाराज के इतना ज्ञान देखकर उन्हें बहुत अशेम फील हुआ। आचार्य श्री शुद्ध सागर महाराज ने अपने गुरु को सारा इंसिडेंट बताया तो उनके गुरु ने कहा कि आप सेम प्लेस पर जाइए जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। हो सकता है मंत्रीगण रिवेंज ले और आप पूरी रात मौन रहिएगा। वो मंत्री इतने क्रूर थे कि वो बदला लेने आए, और जैसे ही उन्होंने मुनि महाराज को होट करने के लिए सौर आगे उठाई, तभी वन देवी प्रकट हुई। उन्होंने उनके हाथ जाम कर दिए और उन्हें पत्थर का बना दिया। सुबह जब महाराज वहाँ पे आए, तब महाराज ने उन चारों मंत्रियों को अपने राज्य से डांट कर निकाल दिया। वो मंत्रियों को बहुत इंसल्टेड फील हुआ। मंत्रीगण हस्तिनापुर पहुँचे। हस्तिनापुर के राजा थे पदम। मंत्रीगण ने राजा पदम की बहुत सेवा की। राजा पदम ने खुश होकर बलि को एक वर दिया। वर मतलब एक तरह का प्रॉमिस होता है जो किसी को भी पूरा करना ही पड़ता है। थोड़े दिन बाद आचार्य अपने 700 शिष्यों को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। जैसे ही चारों मंत्रियों को ये पता चला तो उन्हें पुरानी बात याद आ गई और चारों मंत्री सोचने लगे कि कैसे उन सारे आचार्यों से रिवेंज लिया जाए। तभी बलि ने अपना वर मांगा। उन्होंने राजा से पूरे राज्य और राजा के राइट्स 7 दिन के लिए मांगे, और जैसे ही बलि को वो सारे राइट्स मिल गए, वो अपने बाकी 3 मंत्री दोस्तों के साथ बहुत बैड थिंग्स करने लगा। जहाँ पर आचार्य और उनके 700 शिष्य ठहरे थे, वहाँ पर पूरा लॉग्स बिछा दिए और वहाँ पे आग लगा दी। तभी मुनि श्रुत सागर जी महाराज मिथिला नगरी में थे। उन्हें एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज थी। जब ये सब हो रहा था, तब उन्होंने एक स्पेशल तारे को एक अलग वे में कांपता हुआ देखा। तो उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है। तो महाराज ने उन्हें सारी कहानी बताई।
तो जो शिष्य थे उन्होंने पूछा कि इसका क्या उपाय हो सकता है। विक्रिया रिद्धि एक ऐसी रिद्धि होती है जिससे कोई भी अपना साइज बड़ा कर सकता है और अपना रूप भी बदल सकता है। और उनके एक शिष्य जो ऐरक थे वो मुनि विष्णु कुमार के पास गए और मदद मांगी। मुनि विष्णु कुमार को अपनी विक्रिया रिद्धि के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो उन्होंने जानने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो बिना रुके बहुत दूर तक चला गया। ये देखकर उन्हें पता चला कि उनके पास विक्रिया रिद्धि जैसी भी कोई रिद्धि है। फिर वो अपने राज्य हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ के राजा उनके भाई थे, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे राज्य में मुनियों पर ये उपसर्ग कैसा। तो महाराज रो पड़े और बोला कि उस दुष्ट बलि ने मुझसे वचनबद्ध होकर मेरा राज्य मुझसे ले 7 दिनों के लिए ले लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये देखकर मुनि विष्णु कुमार ने अपना मुनिपद थोड़ी देर के लिए छोड़ा और एक दूसरे धर्म का कोई एक बच्चा बनकर बलि और उसके बाकी मंत्री दोस्तों के साथ पास गए। उन्होंने अपनी मीठी मीठी बातें बोलकर बलि और उसके बाकी सारे दोस्तों को अच्छा कर दिया। बलि ने बोला, महाराज इट्स आर प्लेजर कि आप यहाँ पर आए, मांगिए आपको जो भागना है। तो जो विष्णु कुमार थे उन्होंने मांगा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस 3 स्टेप्स रखने की जगह चाहिए। तो वहाँ के सारे लोग हंस पड़े और बोले, आपने तो अपनी साइज जितना छोटा भी मांगा है। और बलि बोला, रख दीजिए जहाँ पे आपको 3 स्टेप्स रखने हैं। तो उन्होंने अपनी विक्रिया रिद्धि से को बढ़ा दिया और एक पैर से आधा मनुष्य लोग कवर कर दिया और दूसरे पैर से दूसरा और आधा मनुष्य लोग कवर हो गया और इससे मनुष्य लोग पूरा कवर हो गया। अब सारे देव भी ये देखकर आश्चर्यचकित हुए और वहाँ पर आ गए। उन्होंने बलि और उसके साथियों को वहाँ पर बांध दिया। जब बलि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो रो पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तब विष्णु कुमार ने बलि और उसके सभी दोस्तों को क्षमा कर दिया और मुनियों पर जो उपसर्ग हो रहा था वो भी बंद हो गया। अब मुनि विष्णु कुमार ने प्रायश्चित के लिए आजीवन साधु तप करने का प्रायश्चित लिया और मोक्ष प्राप्त किया और बलि और उसके 3 दोस्त भी जैन धर्म के राह पर चलने लगे। इसी पर्व को रक्षाबंधन